हेलो दोस्तों, आज का ये टॉपिक जो हमारा है, तो ये जो फॉल्ट है तो ये तो बहुत छोटा सा है, लेकिन क्या इसकी वजह से बहुत सारा पानी वेस्ट हो जाता है। तो आज का ये वीडियो इसी टॉपिक के ऊपर होने वाला है। इसे कहते हैं स्पैंडल लीकेज। ये प्रॉब्लम हर किसी के घर में होती है और आप सभी ने कभी ना कभी इस प्रॉब्लम को फेस किया होगा। तो इस प्रॉब्लम को हम देखेंगे कि ऐसे टप 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 जो है पानी बहते रहता है लगातार कंटिन्यू। तो इसको हम बहुत ही जल्द ठीक करने वाले हैं। तो देखिए, यहाँ पर इसका एक नट दिया हुआ है जो हम एलंकी की मदद से खोलने वाले हैं, और उसका स्पैंडल निकाल कर दूसरे वाला जो नल है, ये वाला, उस नल का इसमें लगाने वाले हैं। तो वीडियो को आखिर तक देखिए, और मैं उम्मीद करता हूँ आपके ये वीडियो बहुत बहुत पसंद आएगा और आपके पूरा समझ में भी आ जाएगा। क्योंकि क्या है, जब तक आप पूरा वीडियो नहीं देखेंगे तो आपके कुछ भी समझ में आना नहीं है, और मेरी गारंटी है कि आप इस वीडियो को लाइक करना नहीं भूलेंगे। हेलो दोस्तों, मैं हूं रेहान खान और आप देख रहे हैं इलेक्ट्रो जंक्शन। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ये बढ़िया वीडियो। ये देखिए, इस तरह से ये कंटिन्यू जो है लीकेज होता रहता है, तो हम इसको बहुत जल्द ठीक करेंगे। ये एलंकी की मदद से हम इसको खोलने वाले हैं। ये एलंकी कहा जाता है इसे। और ये देखिए, यहां पर इसका नट दिया हुआ है, और इस एलंकी की मदद से इसको खोला जाएगा। अभी इस का नल जो है तो चालू है, इसमें पाइप में पानी चालू है, तो हम इसे भी बंद करने वाले हैं। पहले इसको खोल लेते हैं। ये हमने इसको खोल लिया, इसका जो नॉब होता है ऊपर का, हमने उसको निकाल लिया है। अब जो आपको अंदर नजर आ रहा है वो स्पैंडल है, उसे स्पैंडल कहा जाता है। इसके ऊपर का ये कैप भी निकाल लेंगे, और ये जो है, अब ये स्पैंडल है। और ऐसे ही साइड वाला भी हम नल खोल देंगे, उसका जो नॉब है तो उसको निकाल लेंगे बाहर, ताकि हमें स्पैंडल निकाल ना सके, ताकि हम स्पैंडल निकाल सके अच्छे से, क्योंकि ये खोले बगैर स्पैंडल नहीं निकलता है। इस एलंकी की मदद से, वो एलंकी नहीं लग रही थी तो हमने इस एलंकी को लिया है, और इस एलंकी की मदद से हम इसको खोलेंगे। ये इसका भी नॉब बाहर आ गया है। इस नॉब को हम साइड में रख देते हैं अभी। अब इसका भी ऊपर का जो कवर होता है वो निकाल लेंगे। अब इसका नॉब इसमें, इसका स्पैंडल जो है तो ये बाजू वाले नल में लगाएंगे, और इस वाले का जो है तो इसमें लगाएंगे, क्योंकि उधर वाला जो नल है वो वाटर सप्लाई का है, उसमें कनेक्शन अभी बंद है। तो उस नल में जो है नया का नया ही स्पैंडल है, तो हम इसमें लगा देते हैं। सबसे पहले हम टैंक का वाल बंद कर देते हैं। तो चलिए चलते हैं ऊपर, और यहाँ से जो है हम टैंक का वाल बंद कर देंगे। अगर हम बंद नहीं करेंगे तो हम स्पैंडल नहीं लगा सकते, क्योंकि कंटिन्यू फिर पानी आता रहेगा, क्योंकि पानी फिर बहेगा तो फिर हम स्पैंडल जो है वो नहीं लगा पाएंगे। तो सबसे पहले हम वाल बंद कर देते हैं और चलते हैं नीचे। तो ये देखिए, हमने वाल बंद कर दिया है, और इसमें का जो पाइप में का पानी है हमको निकाल देंगे पहले। इसमें का पूरा पानी निकाल लेंगे, फिर बाद में स्पैंडल को अलग कर लेंगे। स्पैंडल डालने के लिए कुछ भी और खोलना नहीं होता है हमें,
सिर्फ स्पैंडल निकाल लिए और नया स्पैंडल लगा लिए, यानी लीकेज हमारा खत्म हो जाएगा पूरी तरह से। देखिए अब पानी इसमें का ख़त्म होते आया है तो हम स्पैंडल निकाल सकते हैं। अब थोड़ा इंतज़ार करना होगा पानी ख़त्म होने तक, क्योंकि मैं वीडियो को कहीं भी फास्ट नहीं करके बता रहा हूँ आपको, नहीं तो आपके कुछ भी समझ में नहीं आएगा। इसलिए आपको पूरी तरह जो एक्चुअल है वो ही बता रहा हूँ, वीडियो को कहीं भी फास्ट नहीं किया है। ये देखिए इस तरह से स्पैंडल निकाला जाता है। ये स्पैंडल निकाल के हमने इसमें का पानी जो था पूरा ख़त्म कर दिया है। और इस स्पैंडल का जो लीकेज होता है, एक तो वो रिंग में से होता है या फिर उसके अंदर जो वाइसर होते हैं उसके अंदर से होता है, तो हमें तो अब इसे कुछ भी नहीं देखना है। ये हमें अगर नया लेना है तो ये एक हार्डवेयर की दुकान पर कहीं भी मिल जाता है या नल की दुकान पर मिल जाता है, तो इसको बहुत आसानी से चेक कर लिया जाता है। क्योंकि पुराना वाला स्पैंडल खोल कर हम दुकान पर लेके जाएंगे अगर, तो वहाँ पर उसको चेक करके सेम टू सेम नया उसी तरह का लिया जा सकता है। मैं आपको भी आगे बताऊँगा किस तरह से चेक किया जाता है। तो पहले उधर वाला भी स्पैंडल हम खोल लेते हैं। ये जो है तो पानी की वजह से थोड़ा काला पड़ गया है और उधर वाला हमारा यूज में नहीं था, तो इसलिए वो नया का नया ही हमें देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले हम उसको निकाल लेते हैं और फिर इसमें लगा लेंगे, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि लीकेज बंद किस तरह होता है। तो सबसे पहले हम इसे खोल लेते हैं। ये किसी पेंचिस की वजह मदद से या कोई पानी की मदद से भी हम बहुत आसानी से खोल सकते हैं इसे। ये देखिए ये नया का नया ही है, बिल्कुल भी हमने इसे यूज नहीं किया है। तो हमें इस नल में इसको लगा देंगे और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि ये अभी तक यूज में नहीं हुआ है, इसका कनेक्शन बंद है। तो इसमें लगा देंगे इसे। इसकी रिंग भी बराबर है और इसके अंदर के वायसर भी सब बराबर है, तो हमें ये कोई दिक्कत नहीं देगा। और अब रही इसे चेक करने की बात, तो कैसे हम दुकान पर इसे शॉप पर हम कैसे किस तरह से चेक कर सकते हैं। तो देखिए इसकी जो हाइट होती है वो सेम टू सेम होती है और इसकी जो लेंथ और जो इसकी जो मोटाई और हाइट जो है वो कंप्लीट सेम टू सेम ही होना चाहिए। अगर ज़रा सी भी छोटी बड़ी हुई तो ये काम नहीं करने वाला। ये देखिए इस तरह से ये कुछ भी काम नहीं करेगा अगर थोड़ा सा भी इसमें फर्क रहा तो। तो जैसा कि आप देख रहे हैं ये दोनों सेम हैं और हम इसमें लगा देते हैं। अब इसमें धागा या कोई तरह का किसी तरह का कोई भी सॉल्वेंट कुछ भी लगाने की, टेप्लॉन लगाने की, कुछ भी लगाने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। ये बस ऐसे ही लगाया जाता है और थोड़ा हल्का सा टाइट कर दिया जाता है, ज़्यादा टाइट नहीं करते क्योंकि ये बहुत जल्द टूट जाता है। बस हल्का सा टाइट कर सकते हैं हम इसे। तो ये लग गया है और इसी तरह से हम दूसरे वाला भी लगा देंगे। जो हमारा पुराने वाला जो ख़राब था वो हम दूसरे नल में लगा देंगे क्योंकि अभी वो नल हमारा यूज़ में नहीं है, तो इसलिए हम इस वाले को उस नल में लगा देंगे।
नल में लगाने के बाद हमें इसकी कोई अभी ज़रूरत नहीं है, तो हमारे किसी काम का ये है नहीं। जब हमें इसे नया करना होगा या यूज़ में लेना होगा तो हम इस पैंडल को नया इसमें डाल सकते हैं। तो देखिए ये तो हो गया, अब हमारा दोनों भी लग गए। अब इसका कवर लगा देते हैं जल्दी से और फिर बाद में इसके नॉब लगा देते हैं। यह है इसका कवर। तो ये लगा देते हैं जल्दी से। इसे स्पैंडल कवर कहा जाता है। और ये इसका जो ऊपर का जो नॉब है जिसे हम ऑपरेट करते हैं नल को, अब वो लगा देते हैं। क्योंकि देखिए दूसरे जो नल होते हैं वो बाथरूम के हो या उसके भी ऊपर के अगर हो, तो कहीं से भी जो किचन के अलावा ये किचन के नल है और दूसरे नल होते हैं जैसे कि बाथरूम के हो गए या और किसी वॉश एरिया के, तो इसमें ऊपर की तरफ से स्पैंडल लिया होता है। बाकी और कुछ भी करने की कोई ज़रूरत नहीं होती। स्पैंडल ये जो होता है ये ऊपर की तरफ होता है और किचन में सामने होता है। तो इसका कवर लगा देते हैं। जैसे हमने इसे इस स्पैंडल को बदला है उसी तरह से हम दूसरे भी नल के किसी भी स्पैंडल को बदल सकते हैं, जहां पर जो ऑपरेट करने का जो नॉब होता है उस नॉब के अंदर स्पैंडल होता है। क्योंकि नॉब जो होता है वो स्पैंडल के अंदर ही लगा होता है और कुछ भी खोलने की हमें कुछ ज़रूरत नहीं होती है। तो सबसे पहले चलिए स्पैंडल लगा देते हैं। ये अब इसी तरह से हम इसका भी नॉब लगा देंगे, ये वाला नॉब इसमें लगा देंगे और फिर बाद में हम चलेंगे टैंक को चालू करने के लिए। जो उसका वाल हमने बंद किया था वो हमें शुरू करना होगा और चेक कर लेंगे। वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि मैं इलेक्ट्रिक और प्लम्बिंग से रिलेटेड वीडियो लाता रहता हूँ। और अगर आप दूसरे वीडियो मेरे देखना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन में या डिस्क्रिप्शन में दोनों तरफ लिंक मिल जाएंगे, आपको कहीं से भी जाकर देख सकते हैं। तो हमारी ये जो दोनों नॉब है तो ये लग चुके हैं। अब इसके बाद हम टैंक चालू करने के लिए चलते हैं। ये देखिए ये दोनों भी हमारे नल जो है तो रेडी हो चुके हैं। अब चलते हैं ऊपर और टैंक को चालू करते हैं। तो अब हम आ गए हैं ऊपर और इसका वाल देखिए, यहां से हम इसको चालू कर देंगे। तो हमने इसे चालू कर दिया है और अब चलते हैं नीचे। तो ये देखिए यहाँ पर कुछ भी अभी तो लीकेज नहीं बता रहा है और हम देखते हैं इसमें पानी आया है या नहीं आया है। तो अभी तो कुछ भी लीकेज नहीं है इसके अंदर, जैसे पहले बूंद बूंद टपक रहा था अब कुछ भी नहीं है, यानी हमारा स्पेंडर लगाना सक्सेस हो गया है। ये देखिए अब इसमें हम इसको शुरू करके पानी पहले एयर निकाल देते हैं पूरी। देखिए अब उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। अब इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है और हमें इसको भी अभी खोलने की ज़रूरत नहीं है, ये हमने कर लिया, ये बहुत है। और क्या है कि इसमें और अगर कभी तकलीफ आती है तो इससे ऊपर वाले के जो कैप होता है उससे कचरा साफ किया जा सकता है। इसमें पानी अभी नहीं आता है, इसमें कनेक्शन नहीं किया हुआ है। तो ये वाला जो नल है हमारा पूरी तरह ठीक हो चुका है और अभी तो इसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं, इसलिए पूरा ओके हो चुका है। वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि
क्योंकि मैं हमेशा इलेक्ट्रिक और प्लम्बिंग से रिलेटेड वीडियो लाता रहता हूं और ऐसी ही जानकारी देता रहता हूं। तो उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं और एक नए टॉपिक के साथ और एक नए वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। थैंक यू।